हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है कि हम किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रंट पेज। फ्रंट पेज बेसिकली हमारे पास जो है HTML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। वहाँ पे जो है हम बेसिकली अपनी नॉर्मल लैंग्वेज को लिखते हैं और वो उसको चेंज कर देता है HTML लैंग्वेज को, जो कि हमारा वेब सर्वर ईजिली उसको एक्सेस कर सकेगा। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो है हमारे पास फ्रंट पेज। तो हम फ्रंट पेज को ओपन कर लेते हैं। फ्रंट पेज को जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है बेसिकली एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। ब्लैंक पेज में सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो है हमारे पास इसका बैनर, यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट है हमें उसका बैनर यहाँ पे एक ऐड करना होगा। वो बैनर बेसिकली हम लोग जो है खुद से डिज़ाइन भी कर सकते हैं और हम खुद उसको ईजिली नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी हम जो है डमी वेबसाइट बना रहे हैं तो हम ईजिली उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लाइब्रेरी बैनर लैंडस्केप। हमारे पास जो भी बैनर हो वो लैंडस्केप शेप में हमारे पास आ जाए। इमेजेस में देखेंगे और यहाँ से कोई भी हम इमेज अपनी पसंद की इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज करें कि हमारे पास ये इमेज हम ले लेते हैं, तो इसको हम सेव करेंगे। और जो भी हम वेबसाइट का काम करेंगे वो हमें बेसिकली लोकल डिस्क सी में करना होगा, जिसमें हमारी विंडो की फाइल होती है। तो यहाँ पे जो है हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेमो वेबसाइट। और इसके अंदर जो है हम इस डिज़ाइन को सेव कर लेते हैं 1 2 3 के नाम से। उसके बाद बेसिकली अपने फ्रंट पेज पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे और सॉरी एंसर्ट में जाएंगे, एंसर्ट में पिक्चर में फ्रॉम फाइल। और जहाँ पे हमने वो फाइल सेव करी है जैसे कि लोकल डिस्क सी और डेमो वेबसाइट पे हमारे पास वो 1 2 3 की फाइल मौजूद है, तो यहाँ से हम जो है इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद जो है बेसिकली हमें इसकी साइजिंग करनी होगी, तो इसके एक कॉर्नर से इसको हम जो है छोटा कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। थोड़ी सी विड्थ और बढ़ाते हैं इसकी, इतनी हमारे लिए इसकी इनफ होगी। उसके बाद जो हमें इसका अगला काम करना है वो ये काम करना है कि हमें जो है यहाँ पे बेसिकली जिस लाइब्रेरी के नाम से बना रहे हैं हम, वो लाइब्रेरी का नाम हमें यहाँ पे लिखना होगा। लेट सपोज करें कि हम यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं हम लोग कराची लाइब्रेरी। उसके बाद जो है हम कराची लाइब्रेरी को बेसिकली सिलेक्ट करेंगे, इसको जो है हम सेंट्रलाइज कर लेंगे, कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं और ऊपर सेंट्रल का ऑप्शन भी दिया हुआ है, बोल्ड करेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो है हम इसमें कोई से भी अपनी मर्जी का दे सकते हैं, इसमें कलर भी कर सकते हैं हम इसमें। ये करने के बाद जो हमें अगला काम करना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है हमारे पास, वो ये करना है हमें, यानी कि हमें यहाँ पे चार पेज बनाने पड़ेंगे। एक हमारे पास होम का बनेगा, एक हमारे पास कॉन्टैक्ट का बनेगा, एक हमारे पास बुक का बनेगा और एक हमारे पास न्यूज़पेपर का बनेगा। तो हम इन चारों को सेट कर लेंगे बेसिकली। सबसे पहले हम लिखेंगे होम, होम के बाद लिखेंगे हम कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद लिखेंगे हम बुक्स, बुक्स के बाद हम लिखेंगे न्यूज़पेपर। इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी सेट कर लेते हैं। पहले जो है हमारे पास बुक्स आएंगी, उसके बाद जो है हमारे पास आखिर में जाके जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट आएगा। इसको जो है हम कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि ऊपर वाले इस कलर से थोड़ा सा चेंज हो जाइए और इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं और यहाँ पे गैप थोड़ा सा इसमें बढ़ा देते हैं दोनों में सब में। ये हमारे पास जो है चार पेजेस बन गए हैं। अब इसको हमें सेव करना होगा तो हम पहले इसको कंट्रोल एस करेंगे, या हम पहले जो है इसमें एक और काम कर लेते हैं कि हम यहाँ जो है इसके नीचे एक अंडरलाइन दे देते हैं।
अंडरलाइन देने के बाद यहाँ पे जो है हमें उसके नीचे एक आपके पास मार्क्यू भी चलाना होता है। हम इसके बाद बेसिकली हमें जो है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंसेट में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद बेसिकली हमें यहाँ पे जो है एक मार्क्यू चलाना है। तो मार्क्यू चलाने के लिए बेसिकली हमें जाना होगा वेब कंपोनेंट में, एंसेट में जाके वेब कंपोनेंट्स आ रहा है आपके पास, वेब कंपोनेंट में जाएंगे। वेब कंपोनेंट में यहाँ पे आपके पास मार्क्यू लिखा हुआ है, मार्क्यू पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखना है वो हम लिख देंगे। यहाँ पे लेट सपोज करें कि हम लिख देते हैं यहाँ पे ए बी लाइब्रेरी। उसके बाद जो है बेसिकली इसको स्क्रॉल करना चाह रहे हैं, स्लाइड करना चाह रहे हैं, ऑल्टरनेट करना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। हम इसको स्लाइड करना चाह रहे हैं और इसका अगर हम कलर वलर देना चाहें तो हम कलर वगैरह भी दे सकते हैं इसमें, और विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं हम। तो इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ जाएगा। इसको प्रीव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से चल रहा है। तो ये आपके पास जो है इस तरीके की नीचे चल रही होगी, नॉर्मल में जो है वो दिखाएगा इस तरीके से, और प्रीव्यू में आपको दिखाएगा कि आपकी जो लाइब्रेरी बेसिकली दिखेगी तो किस तरीके से दिखेगी। तो ये बेसिकली हम जो है इसका तकरीबन पेज सेट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बेसिकली होम का पेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि हमारी लाइब्रेरी में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, हमारी लाइब्रेरी कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो इजीली हम जो है नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वैसे भी हम लोग ले सकते हैं। तो मैं अभी जो हूँ नेट से ही डाउनलोड कर लेता हूँ उसको। मेरे पास जो है कोई लाइब्रेरी अगर खुली हो, उसका जो भी हमारे पास मटेरियल होगा हम वो मटेरियल यहाँ से सिर्फ कॉपी कर लेंगे अभी। तो यहाँ से जो है हम बेसिकली अबाउट द लाइब्रेरी से पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो यहाँ पे हम डाके सिर्फ लाजमी पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका पूरा तकरीबन फ्रंट पेज बन चुका है हमारे पास। कंट्रोल एस करेंगे, इसको हम सेम ही रखेंगे डेमो वेबसाइट में, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से, एच टी एम एल के नाम से इसको हम सेव कर देंगे। ये बेसिकली हमारे पास जो है इंडेक्स की फाइल जो है सेव हो चुकी है। अब जो है हमें बेसिकली जो है चार और बनाने, क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक होम का बनाया है। अब हमें जो है बुक्स का बनाना पड़ेगा, फिर न्यूज़पेपर का, और फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट का बनेगा। तो अब हमें जो है बेसिकली बुक्स का बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज ओपन करेंगे। ब्लैंक पेज ओपन करने के बाद सिर्फ कहाँ से कहाँ तक लेंगे, सिर्फ हम ए बी तक लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ इसको जो है हम बेसिकली पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है फिर एक और न्यू कंट्रोल एन करेंगे, एक और न्यू पेज, यहाँ पे भी इसको पेस्ट करेंगे, फिर एक और कंट्रोल एन, और फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। यानी कि हमें तीन पेज बनाने हैं। सबसे पहला पेज जो बनाना था वो हमें किसका बनाना था, बुक्स का बनाना था। तो यहाँ पे डेमो वेबसाइट पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हम जो है इसको सेट कर देते हैं बुक्स के नाम से। उसके बाद जो दूसरा हमें बनाना है वो किसका बनाना है, हमें बुक्स के बाद हमें बनाना होगा न्यूज़पेपर का। तो हम यहाँ लिख देंगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बाद जो हमें तीसरा बनाना है वो हमें बनाना है कॉन्टैक्ट का। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉन्टैक्ट। ये बेसिकली हमारे पास जो है चार पेजेस अब बन चुके हैं। अब हम जो है बारी बारी जो है इनके हाइपरलिंक दे देते हैं ताकि हमारे लिए जो है इजीली हो जाए। हम सिर्फ एक पेज पे हाइपरलिंक देंगे और बाकी सब में कॉपी कर देंगे। सबसे पहले हमें होम पे लेना है, लिंक देना है। तो होम पे सेलेक्ट करेंगे माउस की मदद से, राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे आएंगे, और यहाँ पे हम जो है बेसिकली डेमो वेबसाइट की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स है उस पर डबल क्लिक कर देंगे और इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होम पे एक लिंक बन जाएगा। सेम प्रोसेस बुक्स पे करेंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे बुक्स पे भी डबल क्लिक करेंगे और इसको भी हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस न्यूज़पेपर के साथ करेंगे, हाइपर लिंक यहाँ पे जाएंगे और न्यूज़पेपर पे डबल क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। सेम प्रोसेस कॉन्टैक्ट पे करेंगे और कॉन्टैक्ट हमारे ये रहे और इसको हम कॉपी कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली चारों लिंक बन चुके हैं। अब बारी बारी हमें जाहिर सी बात है हमें सब में रखना है, तो इसी को हम कंट्रोल सी करेंगे, बुक्स पे जाएंगे, बुक्स पे जाके भी कर देंगे यही सेम टू सेम काम, ताकि हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वो लिंक बन जाए। इस पे भी यही करेंगे हम,
ताकि हमारे पास इसमें भी लिंक बन जाए, हमें बारी बारी ना दोबारा दोबारा काम ना करना पड़े। इस पे भी यही करेंगे हम, और कंट्रोल एस कर देंगे, यानी कि हमारे पास चारों पेजेस एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमें अगला काम करना है वो बुक्स पे काम करना है, यानी कि हमें जो है यहाँ पे कुछ बुक्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो उनके लिए हमें जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना पड़ता है कि हमें जो है यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ता है। अब हमें जितनी बुक्स ऐड करनी होंगी उसके हिसाब से जो है हमें यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना होगा। अब लेट सपोज करें कि हमें जो यहाँ पे टेबल बनाना है, यानी कि जो हमें बुक्स ऐड करनी है वो हमें बुक्स करनी है चार ऐड। तो चार बुक्स के लिए जो हम ऐड करेंगे वो हम लेंगे टेबल्स में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे टेबल्स में जाने के बाद जो है हमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम लेने पड़ेंगे। तो हमें बेसिकली जो रॉज लेनी पड़ेंगी वो लेनी पड़ेंगी हमें दो, और कॉलम जो लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे हमें चार, चार कॉलम और दो रॉज लेनी पड़ेंगी हमें। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम शुरू होगा आपके पास कि हमें किस तरीके से यहाँ पे बुक्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अगर हम इस कॉलम की बात करें तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली बुक्स का जो हमारे पास पेज होगा, फ्रंट पेज होगा या टाइटल पेज होगा, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे। यहाँ पे जो है बेसिकली हम बुक्स का पेज लगाएंगे, और यहाँ पे हमें बेसिकली बुक्स का क्या करना पड़ेगा, हमें टाइटल लगाना पड़ेगा। तो मैं जो हूँ किसी डमी वेबसाइट से जो है वो भी डाउनलोड कर लेता हूँ। लेट सपोज करें कि ये हमारे पास ई बुक्स हैं, और यहाँ से जो है हम जैसे कि रिसर्च मेथडोलॉजी की बुक्स है हमारे पास। अब ये हमारे पास जो है बेसिकली दिया हुआ है, तो हम इसी को जो है इसी इमेज को कॉपी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपनी उसी वेबसाइट की पेजेस पे। सी में जाएंगे हम, डेमो वेबसाइट, और यहाँ पे जो है हम बुक वन के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। इसको फिर हम बुक टू के नाम से सेव कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि हमने कितनी बुक देने, हमें चार बुक देनी है, तो हम एक और इसको भी कर लेते हैं। बुक थ्री, फिर ये हमारे पास बुक फोर। ये हम लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने इंटरनेट से भी, जरूरी नहीं है कि हम मैं जो हूँ यहीं से हम करें, हम कहीं और से भी इसको डाउनलोड इजिली कर सकते हैं बुक्स को। जब ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी तो अब हमें यहाँ पे जो है बेसिकली अब हमें इसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट में जाएंगे हम, पिक्चर पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल, और बुक वन थी हमारे पास तो बुक वन आ जाएगी हमारे पास ऑटोमेटिक। इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम, इंसर्ट, पिक्चर, फ्रॉम फाइल, बुक टू यहाँ ऐड कर लेते हैं हम। इसका साइज थोड़ा सा हमें इंक्रीज स्मॉल करना होगा हमें। साइज बहुत बड़ा आ रहा है इसका, साइज को हम स्मॉल करते हैं। अच्छा, बिल्कुल एक्यूरेट साइज आना चाहिए, उसके लिए भी हम आपको एक तरीकेकार बता देंगे कि आपके पास जो है दोनों बुक्स का जो है बिल्कुल एक्यूरेट साइज आएगा, साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब लेट्स सपोज करें यहाँ पे हम जाते हैं, इसकी जो साइज है हमारे पास वो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास HTML है, नीचे ही आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो है दिया हुआ है इसका कि 209 और 269, 209 और 269। तो अब हमारे पास जो है इसको भी हम यही कर लेते हैं, 209 और 269। जैसे हम करेंगे तो अब देखेंगे तो आपके पास देखें इन दोनों के साइजेस जो हैं बिल्कुल सेम हो गए हैं, 209 और 269। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास बुक्स की एक साइज हो जाए। सेम जो है पहले हम बुक्स ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे कर लेंगे। वही जाएंगे हम एंसर्ट पे, पिक्चर्स पे, फ्रॉम फाइल, और बुक थ्री ऐड करना है हमें। अब हमें इसका भी साइज वही रखना होगा, तो हम HTML में जाके हम इसका साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी विड्थ थी वो थी हमारे पास 209, और जो हमारे पास इसकी हाइट थी वो थी 269। हम चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास बिल्कुल उसी एक्यूरेट साइज की बुक सेट हो चुकी होगी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर, फ्रॉम फाइल, और बुक फोर। बुक फोर हमने ऐड कर दी, यहाँ पे भी हम जो है बिल्कुल एक्यूरेट साइज चाहिए तो हमारे पास, तो हम जो है इसका भी साइज वही रखते हैं, 209 और
सिक्स और नाइन। जैसे हम करेंगे नॉर्मल पे, तो ये देखें आपके पास बिल्कुल जो है इनके एक्यूरेट साइज सेट हो चुके हैं, यानी कि ये बुक्स हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो है हमें बुक्स की डिटेल देनी पड़ेगी, तो बुक्स की जो डिटेल है हमारे पास वो क्या क्या है हमारे पास, टाइटल, ऑथर, एडिशन और ISBN नंबर, ये चारों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ दे देंगे हम इसका। अभी जो है हम इसका हाइपरलिंक से हटा के इसका हाइपरलिंक हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास बुक मौजूद नहीं है। यहाँ से भी हमें बुक को जो है इसका रिमूव करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट देनी होती हैं, टाइटल, ऑथर, एडिशन और ISBN नंबर। सेम प्रोसेस उसके नीचे वाले में भी करेंगे हम। और यहाँ से भी जो है हम इसका हाइपरलिंक अभी हटा देते हैं, यहाँ से भी इसका हाइपरलिंक हम यहाँ से हटा देते हैं। सेम प्रोसेस इसके ऊपर वाले में भी करेंगे हम, सिर्फ कॉपी करना है हमें वहाँ से, ताकि हमारे पास जो है, वैसे हम जो है ये सारी डिटेल खुद से लिखनी होती है हमारे पास, लेकिन अभी हम जो है इसमें से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज रिमूव लिंक, हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज रिमूव लिंक। सेम प्रोसेस यहाँ से भी करेंगे हम अप्लाई। पहले हम क्या करेंगे, इसका हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज रिमूव लिंक, हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज रिमूव लिंक। ये हमारे पास जो है बेसिकली चार बुक्स यहाँ पे हमने ऐड कर दी हैं, लेकिन अभी हमने जो है इनकी लिंक्स नहीं करे हैं, यानी कि हमने अभी अपनी बुक्स जो है डाउनलोड भी नहीं करी हैं और बुक्स को हमने ऐड भी नहीं करा है। तो अभी हमें पहले जो काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि हमें बुक्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहली जो हमारे पास ये बुक्स है, हम इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। और इसको डाउनलोड जो हम करेंगे, ये हम कहाँ करेंगे, अपने उसी पेज में, यानी कि उसी जगह जहाँ हमने जो है अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। तो कंट्रोल लोकल डिस्क सी डेमो वेबसाइट, और यहाँ पे जो है हम इसको सेव करेंगे। ये हमारे पास एक बुक सेट हो गई, सेव हो गई। फिर दूसरी बुक्स को भी हम इसी तरीके से रखेंगे, सेट करेंगे, यानी कि डाउनलोड करेंगे। डेमो वेबसाइट के अंदर ही सेट करना होगा, सेव करना होगा हमें। तीसरी बुक को भी ऐसी सेव करेंगे हम। और यहाँ से हम जो है इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर फोर बुक जो है हमारे पास, आखिरी बुक, ताकि हमारे पास चारों के लिंक्स बन जाए हमारे पास, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास चारों बुक्स इसके अंदर डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हमें बेसिकली यहाँ पे लिंक्स देने हैं सब बुक्स के, एक अलग अलग। तो सबसे पहले हमें जो है जिस बुक्स को पहले लिंक देना है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे। हाइपर लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे इस ड्रॉप बॉक्स को सेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है फाइल ऑफ टाइप में ऑल फाइल पे क्लिक कर देंगे। ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये थी हमारे पास सोशल साइंस के नाम से बुक, और अनोल भरतची थी, तो हमारे पास इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका, और फिर इसको ओके कर देंगे। सेम प्रोसेस इसकी बुक्स के पेज के साथ भी करेंगे। ऑल फाइल, और इसको ओके कर देंगे। ISBN नंबर पे भी हम जो है दे सकते हैं, लेकिन हम जो है सिर्फ इन दोनों पे रखते हैं, ज़्यादा बेहतर है हमारे पास। फिर रिसर्च मेथड इन एजुकेशन, इस पे देते हैं हम लोग, तो राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक, यहाँ जाएंगे हम, ऑल फाइल्स, और रिसर्च मेथडोलॉजी इन एजुकेशन, इस पे क्लिक करेंगे और फिर इसको ओके कर देंगे। सेम प्रोसेस इसके हाइपर लिंक पे, इस पे करेंगे हम लोग, ऑल फाइल्स, और इस पे क्लिक करेंगे और फिर इसको ओके कर देंगे। यानी कि हमारे पास इस पे लिंक बन गया है, इस पे लिंक बन गया, इस पे लिंक बन गया, इस पे लिंक बन गया। सेम प्रोसेस इस पे भी अप्लाई करेंगे हम, रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड एंड टेक्निक्स, ऑल फाइल्स, और कहाँ पर है हमारे पास ये,
अच्छा ये स्टेप बिगिनर वाला तो ये वाला है, फिर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली जो बुक होगी हमारे पास ये इसी के नाम से होगी, तो इसको रख लेते हैं और इसकी बुक पे भी पेज पे भी ऐसे ही रखेंगे हम। ये करने के बाद इसको ओके करेंगे, आखिरी बुक रह गई हमारे पास इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, हाइपरलिंक और यहाँ पे हमारे पास कौन सी बुक है, ये रंजीत कुमार। ओके इसके बुक के पेज पे भी दे देते हैं हम लोग ऑल फाइल्स, और कौन सी बुक है हमारे पास ये सबसे ऊपर वाली, ये हमारे पास जो है बेसिकली बुक्स का जो है हमारे पास पूरा चार्ट बन चुका है या बुक्स का हमारे पास पेज बन चुका है। इसके बाद जो हमें अगला पेज करना है, यानी कि बुक्स का पेज हमारे पास कंप्लीट है, हमारे पास होम का पेज कंप्लीट है, हमारे पास अगला जो काम करना है वो हमें करना है बेसिकली न्यूज़पेपर के ऊपर। न्यूज़पेपर के लिए भी हमें जो है बेसिकली सबसे पहला जो काम करना होगा वो यही करना होगा कि हमें जो है बेसिकली यहाँ पे टेबल लेने पड़ेंगे। टेबल लेने के लिए हम क्या करेंगे, वही टेबल करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग जो है टेबल ले लेते हैं खाली, दो कॉलम दो दो रॉज ले लेते हैं हम खाली। अब की बार सिर्फ हम जो है सिर्फ दो को ऐड करेंगे, हम चार को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है सिर्फ दो को ऐड करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पे वही होगा हमारे पास कि हमें जो है यहाँ पे अखबार का जो भी हमारे पास उसका मोनोग्राम है हमें वो लगाना पड़ेगा, यानी कि उसकी तस्वीर लगानी पड़ेगी लोगों की, और वहाँ पे जो है हमें उसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, तो वो भी लोगो हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं न्यूज़पेपर में जाके। हम कोई से भी दो न्यूज़पेपर जो है यहाँ से डाउनलोड कर लें, जैसे कि जुर्रात हमारे पास है एक, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम वहीं डाउनलोड करेंगे अपने डेमो वेबसाइट के पेज पे, और एक हम कर लेते हैं डेली डॉन, ये हमने डाउनलोड कर ली है। तो अब हम यहाँ जो है इसको पेस्ट करेंगे बेसिकली, तो वही एंसर्ड में जाने के बाद, पिक्चर में जाने के बाद फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे डॉन, और यहाँ पे बेसिकली हमें दूसरा जो करना है वो करना है हमें जरूरत, तो हम जरूरत पे करेंगे। अच्छा ये इन दोनों पेजेस के भी हमें जो है साइज सेम चाहिए होंगे, तो हम इसके साइज देख लेते हैं 200 और 200, तो इसको भी हम कितना रखेंगे 200 और 200, ताकि हमारे पास दोनों के साइज जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। हम चेक करेंगे तो हमारे पास दोनों के साइज जो है बिल्कुल सेम हो चुके होंगे, ये हमारे पास जो है इन दोनों के साइजेस बिल्कुल सेम हो चुके हैं। हम जितने अखबार देना चाहें हम उतने अखबार बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, अभी मैं जो हूँ सिर्फ दो अखबार दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो है दो अखबार की डिटेल यहाँ पे मैंने दे दी है। उसके बाद जो अगला काम करना है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन हम जो है यहीं से कॉपी कर लेते हैं, पहले हम डॉन की कॉपी कर लेते हैं, वैसे हम जो है ये नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं कि हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन या हम अबाउट डॉन, तो वो हमारे पास इंटरनेट पे भी आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, सेम प्रोसेस जरूरत के लिए भी करेंगे हम। और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, यहाँ से पहले हम जो है इसका हाइपरलिंक डिलीट करते हैं, ताकि हम आपको सिखा दें कि हाइपरलिंक इसका अगर बनाना हो अखबार का तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर जैसे कि हमें डेली डॉन का बनाना है, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने वेबसाइट, अपने क्रोम के ऊपर यानी कि अपने ब्राउजर के ऊपर, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डेली डॉन या डॉन न्यूज़पेपर या ई न्यूज़पेपर या डॉन ई न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डॉन ई पेपर, और यहाँ पे हमारे पास ये लेटेस्ट ही दिखा रहा है। तो अब जो हमारे पास ये वाली साइट है, जैसे हम क्लिक करें तो खुले, तो हमारे पास ये जो ऊपर का लिंक आ रहा है इसको हमें कॉपी करना होगा। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली हम डॉन पे सिलेक्ट करेंगे और हाइपर लिंक पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको सिंपल। सेम प्रोसेस इसके हम तस्वीर भी करेंगे, क्योंकि हमने उसमें भी तस्वीर में करा है, तो यहाँ पे भी तस्वीर में भी कर लेते हैं, ताकि तस्वीर भी अगर कोई क्लिक करे तो वो पहुंच जाए वो डॉन डेली डॉन पे। तो ये हमारे पास इसका हो चुका है। इसी तरीके से हम जरूरत का करेंगे, जरूरत ई पेपर, तो ये हमारे पास मल्टीमीडिया आ रहा है, तो ये देखें ई जरूरत डॉट, ये हमारे पास जो है इसका साइट है। हम डायरेक्ट जो है ऊपर वाला जो लिंक है वो हम ऊपर से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जरूरत न्यूज़पेपर पे हाइपरलिंक क्लिक करने के बाद और सेव कर देंगे। ओके सेम प्रोसेस इसके तस्वीर पे भी करेंगे और इसको भी हम ओके कर देंगे। ये बेसिकली हमारे पास जो है न्यूज़पेपर का भी डिस्क्रिप्शन बन चुकी है। इसके बाद जो हमें अगला काम करना है वो बेसिकली ये करना है कि हमें कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट डिटेल बेसिकली जो डालनी है वो हमारे पास बेसिकली सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज होनी चाहिए। सेंट्रलाइज में सबसे पहले जिस चीज़ को लिखना है वो हमारे पास क्या है, नेम लिखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नेम, और नेम हम जैसे कि लिख लेते हैं, हमने कराची लाइब्रेरी लिखी थी, तो हम जो है इसका कोई भी नाम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, ए बी सी लाइब्रेरी या कराची लाइब्रेरी, जो भी हम नाम रखना चाहें। उसके बाद एड्रेस लिख लेते हैं इसका, एड्रेस हम लिख लेते हैं इसका F ऑब्लिक 21 ओल्ड रिजविया कराची। उसके बाद जो है हमारे पास, अगर हम जो है कोई ईमेल देना चाह रहे हैं तो हम ईमेल लिखेंगे यहाँ पे, और ईमेल लिख देंगे कुछ भी हम अपनी मर्जी से यहाँ पे, जैसे कि हमने लिखा ए बी एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम। उसके बाद जो है मैं अगला जो लिखना है वो हमें, अगर हम फेसबुक का लिंक देना चाहें या यूट्यूब का लिंक देना चाहें वो भी हम यहाँ पे इजीली दे सकते हैं, या हम जो है अपना नंबर देना चाहें कॉन्टैक्ट नंबर तो वो भी हम दे सकते हैं। जो भी आपका नंबर है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया कुछ भी 09007 8601, ये हमारे पास नंबर हो गया है। तो ये हमारे पास जो है पूरी वेबसाइट बन चुकी है। अब इसको हम चला के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से चलेगी। उसके बाद जो है हम इसको अपलोड भी करेंगे अपना parks.pk के ऊपर, और फिर हम चला के चेक करेंगे तो किस तरीके से चल रही है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सारे लिंक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आए हैं हम, और यहाँ पे हम लोग जो हैं अपना जो भी हमारे पास पेज होगा वो हम चेक कर लेंगे। जैसे कि इंडेक्स का पेज चलाना है, उससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। कोई भी क्रोम की ऐप लेंगे, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, इंडेक्स चला के चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है लाइब्रेरी पूरी बनी हुई है। होम पे क्लिक करते हैं तो ये होम पे ही रहेगा। बुक्स पे क्लिक करते हैं तो ये बुक्स पे चले जाएगा। न्यूज़पेपर पे क्लिक करेंगे तो ये न्यूज़पेपर पे आ जाएगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा, और बुक्स पे क्लिक करते हैं तो बुक्स पे भी जा रहा है, होम पे भी जा रहा है, यानी कि तमाम लिंक्स हमारे बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहे हैं। अब हमें जो इसमें अगला काम करना है वो ये काम करना है कि हम किस तरीके से इसको parks.pk पे अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट को बनाने के बाद जब हमने तमाम चारों लिंक्स देख लिए, अब जो हमें अगला काम करना है वो ये करना है कि हमें इसको वेबसाइट पे यानी कि किसी सर्वर पे हमें इसको अपलोड करना होगा। तो हम उसको किस तरीके से अपलोड करेंगे वो देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमें राइट करना हो, लिखना होगा parks.pk। ये बेसिकली हमारे पास फ्री साइट है जिसके अंदर जो है हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी फ्री लॉगिन में। फ्री वेब होस्टिंग दे रहे हैं हम उसको। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये न्यू का हमारे पास हमें न्यू बनाना होगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग। उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हम रख लेते हैं ab.parks.pk। उसके बाद पासवर्ड रख लेते हैं हम इसका, उसके बाद ईमेल एड्रेस रखेंगे यहाँ पे हम अपनी मर्जी का, उसके बाद डू नॉट इंस्टॉल आई स्क्रिप्ट इसको रहने देंगे, इसको एज इट इज। और यहाँ पे हमें जो है इसकी जो कैप्शन दिया हुआ है वो लिखना होगा, कैप्शन सही लिखिएगा ताकि जो है हमारी गलती ना हो, यही है। ये कह रहा है यूजर नेम जो है हमारे पास उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो हम इसका नंबर यूजर नेम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ए बी कर लेते हैं। पासवर्ड नॉट सेट, द पासवर्ड एंटर कंटेन इनवैलिड करेक्टर, पासवर्ड कैन नॉट बी लेस देन 6 करेक्टर। पासवर्ड थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा हमें।
जो है ये बिल्कुल हो चुका है। इन्होंने जो है हमारी ईमेल एड्रेस पे जो है सेंड कर दिया होगा। हम अपना ईमेल एड्रेस खोल के चेक कर लेते हैं। हम इसका ईमेल चेक कर लेते हैं। अपने ईमेल पे जो है इन्होंने हमें एक साइट भेज दी होगी, एक मैसेज भेजा होगा। हम उस मैसेज को देखते हुए हम अपने जो है आईडी को लॉगिन कर सकेंगे इजीली। ये जो हमारे पास मैसेज आते हैं पाउच डॉट पीके के, ये हमारे पास आते हैं बेसिकली स्पैम मैसेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास पीके डॉट पार्क्स डॉट पीके की एक्टिवेशन आई हुई है हमारे पास। हम सिर्फ सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास जो है वो थोड़ी देर के बाद हमारी क्रिएट हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर हमारे पास इसकी वेबसाइट यानी कि हमारे नाम से बन जाएगी। फिर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से उसको अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को इस साइट के अंदर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे पास ये आ चुका है कंट्रोल पैनल यूज़र नेम और कंट्रोल पैनल पासवर्ड। तो हम यहाँ से जो है कंट्रोल पैनल इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से लॉगिन पे जाएंगे हम। यहाँ पे बेसिकली पेस्ट करेंगे हम, इसका पासवर्ड लिखेंगे हम। तो आइए अप्रूव करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आई थिंक नेट प्रॉब्लम हो गया है मेरा। नेट रीस्टार्ट कर लेते हैं हम। तो
ये हमारे पास जो है इसका पैनल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें करना ये होगा कि हमने जो अपनी वेबसाइट बनाई है वो उसकी तमाम फाइल्स को इसके अंदर अपलोड करना है। तो फाइल्स में जाएंगे, ऑनलाइन फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर में जाके यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ही आ रहा है एच टी डॉक, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने अपनी फाइल बनाई है जैसे कि ये लोकल डिस्क सी डेमो फाइल्स हैं हमारे पास, इन तमाम को कंट्रोल ए करेंगे और फिर इसको ओपन कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पे जो है ये 15 फाइल्स बता रहा है और 15 फाइल्स ये अपलोड करेगा और फिर हम जो है इसको चला के देखेंगे अपने सर्वर के ऊपर, तो ये इजीली हमारे पास किसी भी सर्वर के ऊपर चल रहा होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर सर्वर पे आपके पास देखने में थोड़ा सा टाइम दिखेगा आपको। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको चला के भी अपने पास देख सकते हैं और वहाँ से फिर आप लोग जो है डमी साइट से आप लोग चीज़ें कॉपी भी कर सकते हैं। कुछ फाइल्स हैं हमारी जो जैसे बुक्स वगैरह, उनको ये जल्द से जल्द अपलोड करेगा। कोशिश करेगा कि आपकी जो बुक्स हों पीडीएफ फॉर्म की वो जो है आपके पास लेस देन 10 MB हों, क्योंकि 10 MB से अगर आपके पास बड़ी फाइल होगी तो वो जो है अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। कोशिश करेगा कि आपके पास जितनी भी आपके पास पीडीएफ फॉर्म की फाइल्स हों वो आपके पास लेस देन 10 MB हों। 10 MB से कम फाइल्स होंगी तो वो इजीली डाउनलोड करेगा, इजीली जो है उनको अपलोड करेगा और उसमें कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर 10 MB से बड़ी फाइल्स होती हैं तो उनको फिर वो मसला कर सकता है अपलोडिंग में। तो ये जो है बेसिकली हमने अपलोड कर ली है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब जो हमारा है ab.parks.pk, हम यहाँ लिख के चेक कर लेते हैं। ये चल रहा है या नहीं चल रहा, तो ये जो है बेसिकली हम लोग इंटरनेट पे अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पे जो है बेसिकली इंटरनेट के थ्रू ही चल रहा है। अगर हम सब चीज़ें बंद भी कर दें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भी अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं avav.parks.pk। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें, इसमें हमने अपलोडिंग वगैरह सब कुछ सीख ली है इस वीडियो में। थैंक यू।